अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असनैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असनैन आफ्ताब ऑफिशियल। आज हम कहां जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, वो सारी बातें होंगी इस वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो उर्दू में होने जा रही है और पंजाबी में होने जा रही है, जिसको बोलते हैं गुलाबी उर्दू, यानी कि मिक्सिंग। हम कौन कौन जा रहे हैं, सबसे पहले आपको तारफ़ करवा देता हूँ। मैं, मेरे दोस्त जनाब मारवीर उर्फ हेलीकॉप्टर एंड जनाब हसन आटूस वाले एंड जनाब यासीन और जनाब फौजी नासिर, हम पांच लोग आज कहाँ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज अभी तक मैंने ये शर्ट पहनी हुई है। कल वॉलीबॉल का मैच था, मैच हमने खेला और मैच अल्लाह के करबो फजल से हम जीते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बाबा फरीद पे। किस किस रास्ते से जाएंगे, रास्ते का व्यू भी आपको दिखाएंगे और हम रास्ते में जो गपशप करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और हम रास्ते में कहाँ कहाँ स्टॉप करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल को क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अभी नहा के कपड़े चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं। नहाने से पहले मैंने गाड़ी को साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। इस कपड़े से मैंने गाड़ी को साफ़ किया, अभी नहा लेता हूँ। इसको जनाब हम नाले पुनी बोलते हैं, जिससे हम शलवार में नाला डालते हैं। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है, ये धोबी से धुलवा के भी लेके आया हूँ, तो ये कपड़े पहनूंगा और ये जूती पहनूंगा और इंशाल्लाह जल्दी से रेडी होकर निकलते हैं। दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब मुकम्मल तैयार हो गए हैं। गड्डी के जो वेख रहे हो मेरा बंद है, अड्डे पर भी जाना हो तो सकना भाई मैं जूटा लेना है। यह जूटा इन्होंने देवन तो बगैर असं कि भी नहीं जा सकते, लिहाजा हूँ जाने बाईपास से। उ सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, दो गल कर चुके हैं तो इंशाल्लाह निकलने हैं। एक और सहायक अजदार छोटा जहा लाया, एक बंदा मिस किया, एक नवा बंदा इंटर हो गया, वो मुलाजम वाले कहते तू नौकरी कर, नवे बंद ने जो इंटर किया लैके जा रहे हैं। जनाब जरा मेरे नाल बैठा है, तुम्हें पहले दसा है कि साडा जरा विलोग है ये उर्दू पंजाबी मिक्स होएगा। यह जरा मेरे नाल बैठा है, ये मेरा बांझा है, यदा नाम जनाब मुहम्मद अजान है। तो यह जनाब मैं अड्डे पर भी जाना हो सकना जनाब मैं झूठा दे, अगर इन्हें झूठा नहीं देना तो भाई ये सारा दिन रोना जितना तक वापस नहीं आना। अजान पुत्र झूठा ले ली हूँ, इतने ला देिए हूँ सन छुट्टी है। चल दुआ कर, असी बाबा फरीद खरी सलामती है, दुआ कर इंज कल दुआ। मैनू वीर उर्फ एयरपोर्ट की, सॉरी वीर उर्फ हैलीकॉप्टर की कॉल आई है, उस एक बंदे नू मिस किया है तो हूँ असी उनके कोलो लोग के जा रहे हैं। लिहाजा साडा प्रोग्राम यह सी कि असी दरबार से पहले जाना, दरबार तो बाद इंशाल्लाह असी आके वॉलीबॉल का मैच वेखना, लेकिन वॉलीबॉल का मैच कैंसल हो गया। मेरे दोस्त की कॉल आई जो मैच करवा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह तो असी जो मैच है वह डिले कर दिता, यानी कि कैंसल नहीं किया, लेट कर दिता, डेट वो वधा दी है, लेकिन हाले तक डेट उन्होंने मैनशन नहीं की। तो हूँ असी दूसरी साइड लू जा रहे हैं, उत्थे दोस्तों लेना तो उसे निकल जाना। Thank you.
ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇਲ ਅਸਾਂ ਵੇਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਦੇਖ 30,000 ਦਾ ਤੇਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨੇ 30,000 ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਤਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਕੀ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਯਾਰ ਪਿਆ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ 4,000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਵਾ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਤੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਲੋ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੱਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੇਟ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ 17-18 ਐਵੇਂ ਖਰੀਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤਾਂਜਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂਜਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜੱਲਾ ਮੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲਈਆਂ ਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਈ ਖਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਦਲੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਾਰ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੱਗਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਜੋ ਅਸਮੇ ਤੋਫੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੱਗੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਇਨ ਮਾਂ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸ ਤਸਬੀਹ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕੋ 150-150 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 35-40 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਬਾਈ ਚਟਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਗਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਆ। ਹਾਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਨਿਚੰਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਹੋਏਗਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਦਰਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
चंगा खुलिया दरिया तो मैं भी नाल खुलिया पानी चंगा इतने मैं बढ़ूगा पर मैं बढ़िया नहीं मैं मज्जे वेख के ना मेरे दिल में कुछ मज्जे में बुढ़िया इतना पानी इस टाइम जनाब असी दरियाए रावी ते पहुँच गए हैं इतों असं पकौड़े टेस्ट कर लगे हैं क्योंकि वीर आता पै कि इतने जो पकौड़े बनते हैं बहुत ही वी आई पी और बहुत ही कमाल के बनते हैं असा एवं दुबई डेढ़ अक्षी तक ही खाना है पकौड़े चंगे ने पर मरा चाह भी चंगी असल भाई एंड अजय इमरान वीडियो बना रहे हैं असी जनाब नाल ना तुहानू बेटा पानी ले आ बेटा तू की चेक कर बैक साइड ते काफी अगे जाके जनाब वीआईपी मॉल है लेकिन असी आज ओदे को नहीं जाना इथे तुहानू मॉल चल भी खा के ए साडे कुछ दोस्त जेडे हैं ए जनाब अगे झूठा छूटा लै रहे हैं ते बेड़ी जनाब उलट गई है मसे बचे ने टाइम की है बहुत ही कमाल का टेस्ट है मिसाला ज़्यादा है लिहाजा ज़्यादा मिसाले वाले पकौड़े खावन का अपना ही मजा है कभी भी थोड़ा दरिया रावी ते आउण होवे जनाब इन्हां कोल आके पकौड़े खाने ने बहुत ही टेस्टी ते कमाल दे बनांदे ने असी पहले केले खाते ने हुण थोड़े जे पकौड़े असी खा रहे हैं क्योंकि सिर्फ टेस्ट करना तो उस तो बाद इंशाल्लाह असी अपने सफर का दोबारा तू आगाज़ करांगे उड़ गई खोले तू ते आख मेरे माइए नू पाया खजूरां दा ले जा मजाइया पोएट्री जिंदगी नू इंजॉयमेंट किया करो जे बोतल पीनी हो लग कर बोतल पीनी हो इंज पीती करो जिंदगी नू इंजॉयमेंट किया करो एक महीने दे विच कमो बेश दो टूर होने चाहिए ने हफ्ते की छुट्टी होवे या इतवार की छुट्टी होवे या जुमे वाले दिन की छुट्टी होवे जिस दिन की भी छुट्टी होवे उस दिन छोटा जिहा टूर जिहड़ा वो बनाना चाहिए है ये जिंदगी जिहड़ी इस नू इंजॉयमेंट करना चाहिए इंजॉय कीती करो तो जिंदगी का कोई पता नहीं खबर वाले दस रहे कि सर्दी उन्होंने करीब आवन साडा प्रोग्राम हम बनता पै कि असी इंशाला मरी सवात कलाम वैली उत्थे तीन चार पॉइंट होर अहम हैं उत्थे जावन की असी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं जिंदे विच जनाब हसन वीर मैं और यासीन और एक बंदा होर असी एडजस्ट करना है एक बंदा हाजी साहब नहीं जा सकते क्योंकि इन्हों का कारोबार इस तरह का है दुध का कारोबार करते हैं लिहाजा ये तीन चार दिन नहीं रह सकते इनका दुध का असी जड़े हैं साडा सारे काम ही अपना है भावें दुकान महीना बंद रहे कोई टेंशन नहीं एक दिन छुट्टी सीते तो लोगों के वेखो न्याणे किन्ने रोवन दुध इतों बाबा फरीद का किन्ना सफर है भाई इतों जनाब बाबा फरीद का सफर आ साहिवाल हैगा 8 किलोमीटर 9 तो अगे आएगा जनाब अली 42 किलोमीटर ते बाबा फरीद।